इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर से आ रही है, जहां पीएम मोदी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की नीति घातक है, ऐसा करने वाले नेता और दल देश को भीतर से खोखला कर देंगे। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वो ऐसे दलों को एक्सपोज करें। स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की, ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लूटा देने की, ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लूटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है। मुफ्त की राजनीति पर पीएम का प्रहार। राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। फ्री पॉलिटिक्स वालों को करें एक्सपोज। जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है। शॉर्टकट नहीं, अस्थाई विकास की बात। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। रेवड़ी कल्चर पर पीएम स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लगभग 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कर रहे हैं पीएम। आज प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नागपुर टू बिलासपुर चलने वाली ये ट्रेन कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके बाद नागपुर मेट्रो फेज 1 का उन्होंने उद्घाटन किया और दूसरे फेज के लिए उन्होंने शिलान्यास किया। महाराष्ट्र और गोवा को 75,000 करोड़ रुपए का तोहफा दे रहे हैं। समृद्धि महामार्ग, जो कि नागपुर टू शिरडी एक्सप्रेसवे है, उसका भी उद्घाटन किया गया। आज पीएम गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। आज एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की है कि मुफ्त की राजनीति से विकास नहीं हो सकता। जनता के टैक्स का जो पैसा है वो वाजिब तरीके से परियोजनाओं पर लगाना चाहिए, ताकि देश का विकास हो सके। इस